हमारा पॉलिटिकल क्लास इतना निकम्मा हो चुका है कि सड़क पर तो नहीं ही उतर रहा, पार्लियामेंट और असेंबली में भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 2 अप्रैल का भारत का जो बंद है वो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन में मानता हूं, और इसलिए उसमें किसी भी नेता ने कॉल नहीं दिया था, किसी भी नेता का पॉलिटिशियन का चेहरा उसमें नहीं था किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर, और फिर भी सरकार के खिलाफ भारत के इतिहास का एक ऐसा बंद हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। उन सड़क पर उतरने वाले भीम सैनिकों और अंबेडकरवादियों के बीच में 5 MP MLA भी इस मुल्क के नहीं थे, इस बात को भी हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। हमको हमारे तमाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हो तमाम MP MLA के ऊपर उतना प्रेशर तो बनाना ही चाहिए कि हमारे मुद्दे पर या तो बोले या तो घर वापसी की तैयारी कर ले। इतना प्रेशर यदि हम अपने ही समाज के नेता के ऊपर नहीं बना पाएंगे तो मोदी जी से हम लोग क्या सवाल कर लेंगे? ये 108 दिन कोई मजाक होता है? भारत के इतिहास में कितने ऐसे धरने दलित बहुजन समाज की बेटियों ने किए होंगे जो 100-100 दिन चले? ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत को पूरे भारत के कोने कोने में ले जाने का आज हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले अब तमाम साथियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, आज के दिन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दलित आदिवासी OBC समाज के MP MLA को कॉल दिया जाए, आइए एक नाइट यहां पर रुकिए, इस धरने पे एक नाइट आप बिताइए, नीतू के साथ बैठिए, रतनलाल जी के साथ बैठिए, लक्ष्मण यादव के साथ बैठिए, उन तमाम लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि इतना भी तुम्हारे अंदर जमीन नहीं तो जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा, उनके इलाकों में जाकर उनकी घर वापसी कराए, उनको चुनाव में हरवाए, ऐसा भी हमारा आयोजन होना चाहिए। बिना उसके उनकी भी नींद नहीं उड़ेगी। तो कैसे कॉल देना चाहिए कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब भी आपकी टीम, प्रोफेसर साहब, नागपाल जी, सब लोग साथ में मिलकर एक दिन तय करते हैं, भाषण उन दिन नहीं करोगे तो चला गया, यहां आकर एक नाइट आप बैठिए, एक पूरा दिन 24 घंटा रहिए, और फिर पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सा दलित आदिवासी OBC समाज का नेता यहाँ पर मौजूद था और कौन नहीं था, और जो नहीं था उन सबके कपड़े उतारे जाए। इन मोहतरमा रोई के बारे में तो केवल इतना कहना चाहूंगा, आप भी महिला है, आपके ऊपर तो क्या है, आपको तो एक ही मन कर रहा है कि मनुस्मृति की कॉपी आपको गिफ्ट कर दूं। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक महिला होकर दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर रहे, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ उन 35 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं, वो 35 बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते वो स्टूडेंट। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको बता दूं, विधायक तो हूं लेकिन वकील भी हूं, सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट आपके लिए ही बनी है, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है यदि कोई somebody is willfully neglecting the duty तो उसकी भी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो साथियों, खाली पड़े सारे यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज के तमाम सरकारी पदों को भरा जाए। इस मुल्क के सभी स्टेट में कितना बैकलॉग है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उस तमाम बैकलॉग को भरा जाए, उस बैकलॉग को आरक्षण की नीति के साथ सही स्पिरिट से लागू किया जाए, और जाति जनगणना का मुद्दा हम तमाम लोगों को इसलिए भी उठाना चाहिए कि पता तो चल गया कि दलित कितने हैं इस मुल्क में, आदिवासी कितने हैं, अरे 48% निकलेंगे OBC या 54% निकलेंगे, लेकिन रफ आइडिया तो हमको भी है ना बिना जनगणना के। लेकिन जनगणना इसलिए करवानी है कि दलित आदिवासी OBC DNT इन वंचित समुदायों की जनगणना हो, उसके बाद असली एजेंडा खड़ा होगा, और असली एजेंडा यह होगा कि अब बताइए कि इस मुल्क के न्याय तंत्र में कितने OBC आदिवासी और दलित हैं, अब बताइए कि इस मुल्क में कितने दलित आदिवासी OBC के पास जमीन है, अब बताइए कि इस मुल्क में माइनिंग के ठेके, बड़े बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं,
मामला असली लड़ाई तो संसाधनों की है, असली लड़ाई तो शोषण के खिलाफ की है। जैसे कि ऋतु ने कहा कि लड़ाई किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ है। और इसलिए इस बात को भी स्पष्ट करता हूं, यदि कोई फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर 300 ब्राह्मण समाज के मजदूर है, और यदि उसका शोषण करने वाला मालिक दलित है तो उसके खिलाफ भी है। यह है अंबेडकरवाद, ये है हमारी सोच। ये अलग बात है कि उसका नंबर बाद में रखेंगे, उसका कार्यक्रम बाद में रखेंगे, लेकिन हम सारे शोषण के खिलाफ खड़े हो, सारे अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़े हो। साथ ही डॉक्टर ऋतु के लिए एक जबरदस्त तालियों के साथ उसका स्पिरिट बढ़ाया जाए, और आने वाले दिन में कोई एक तारीख तय करके मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, हम तमाम लोग मिलकर पूरे सम्मान के साथ इस मुल्क की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी दलित नेताओं को, सभी आदिवासी ओबीसी नेताओं को एक दिन हमारे बीच धरने में बैठने का आमंत्रण देते हैं, और फिर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। जब मंडल कमीशन वाला आंदोलन चल रहा था तब मंडल के खिलाफ, सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ, यहां पर कुछ मनुवादियों ने क्रांति चौक खड़ा किया था। और आज मैं गुजरात से चलकर यह कहने के लिए आया हूं, उसको उल्टा करने के लिए, मनुस्मृति के खात्मे के लिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सिंह ने दोबारा क्रांति चौक यहां पर खड़ा किया, अंबेडकर चौक खड़ा किया है। 108 दिन, साथी ने बताया था, बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि किसी भी समाज की कितनी तरक्की हुई उसका मापदंड क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो बहनों ने क्या तरक्की की, महिलाओं की क्या तरक्की हुई, उनकी क्या प्रगति हुई, उससे पता चलेगा। ये कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे बीच में जिंदा होते तो आज डॉक्टर ऋतु के साथ खड़े होते। आपका बहुत बहुत स्वागत जातिवादियों के अखाड़े में, आपका स्वागत। और इस अखाड़े को उखाड़ के फेंकना है, इसके लिए आपका और भी बहुत ज्यादा स्वागत। और आप हमारे इस प्रांगण में आए हैं, उस कड़ी में आपका नाम शामिल हुआ। और मैं ये कहती हूँ कि मैं एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। और आपका जमीर जिंदा है, ये आपने यहाँ पर प्रूव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे रतनलाल सर अपनी बात में, अपने व्यक्तित्व में बता रहे थे और बताते हैं हमेशा कि सब कुछ पॉलिटिक्स बन चुका है, सवाल करना पॉलिटिक्स है, सोचना, अपनी विचारधारा, अपने अंदर के जो आइडियाज है उसको शेयर करना पॉलिटिक्स बन चुका है। तो हमने भी यहाँ बैठ के, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र रही हूँ, शिक्षिका हूँ, आज बहुत तमाम छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं आज यहाँ पे, हमने भी ये डिसाइड किया है, व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो वी हैव डिसाइडेड आवर पॉलिटिक्स कि हमारी जो राजनीति है, क्योंकि हमारे लिए संसद आज आवारा हो चुकी है, तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सड़कें ही रास्ता है। आपको आज न्याय अदालतों से नहीं मिलेगा। प्राचा साहब एक बात कहते हैं कि 20% अदालतों पे विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए। अगर आज आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, तो वो आपको सड़कें जस्टिस दिलवाएंगी, सड़कें इंसाफ दिलाएंगी। इसीलिए साथियों, हमने सड़क को अपना रास्ता चुना है, और हम उस देश में रहते हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रताड़ित है। देखो, अगर कोई यहाँ ब्राह्मण समाज के बैठे हैं, अनुराग ओझा जी या अन्य लोग, हमारी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, बाबा साहब के साथ भी ब्राह्मण थे, मैं बता दूं, क्लियर। हमारी ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद कूट कूट के, ये जो विचारधारा, ये जो गंध, ये जो छोटी सोच अंदर भरी है लोगों की, हमारी लड़ाई उस विचारधारा के साथ है। और अगर पूरा भारत में ये विचारधारा राज कर रही है, कुछ परसेंट लोग, 3% लोग गंदी विचारधारा, उसमें से मैं प्रोग्रेसिव लोगों को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो मुझे लगता है 2% बचते हैं, वो विचारधारा के लोग अगर आज राज कर रहे हैं, हर चीज पे, हर संसाधन पे उनका राज है, पूरे सिस्टम को कब्जा रखा है, तो हमने भी ठाना है इन सड़कों को अब इस तरीके से, जो संसद में आवारा हमारे लोग जमीर बेच के बैठे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेके जो हमारी बात नहीं करते, अब उनसे भी कॉलर पकड़ के सवाल किया जाएगा, वो भी खाली नहीं रहेंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, यहाँ पे गुलामों की, दलालों की फौज पैदा हो चुकी है, भर्ती हो चुकी है, पैदा तो पहले से ही थे लेकिन अब दोबारा से पैदा हो चुके हैं।
और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसंबर से, लास्ट दिसंबर से जो भर्तियां की गई हैं, जो मास डिस्प्लेसमेंट आज हुआ है, आई थिंक 2500 से ज्यादा लोगों का मास डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें अधिकतर जो अगर आप काउंटिंग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग निकाले हैं, दूसरे भी निकाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम ही आके लड़ रहे हैं, हम ही आवाज उठा रहे हैं। हमने उन दलालों को यह भी कहा, कुछ उनमें से डरपोक लोगों को यह भी कहा कि पीछे रहो, हम आगे रहेंगे, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पता नहीं किस तरीके का जमीर मर चुका है उन लोगों का जो सामने नहीं आ रहे। और आज ये डॉक्टर रितु सिंह नहीं है, कहा है आपको, बार बार कहती हूँ, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, जॉब नहीं जस्टिस चाहिए। और जस्टिस वही है कि ऐसे अपराधियों को जो 33% आरक्षण जिन महिलाओं के लिए आता है, ऐसी महिलाओं के लिए जो हमारा शोषण करने के लिए लाई जाती है, जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक चुप हम नहीं रहेंगे, और तब तक हम घर का दरवाजा नहीं देखेंगे, क्योंकि सर उठा के सर पे कफन बांध के हम यहाँ पे बैठे हैं। अंजाम कुछ भी हो, मौत है तो मौत से ही वापस ऐसे नहीं जाया जाएगा। जैसे रतनलाल प्रोफेसर साहब ने भी एक चीज बताई, एक ही विश्वविद्यालय में कुछ मीटर की दूरी पे दो कानून है। इस मुस्लिम, आप इस अपराधी को देख रहे हैं, मुझे बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, ये क्रिमिनल, ये करप्ट प्रिंसिपल, मेरे लिए गुंडी है, ये चोर है जो मुझे धमकियां देती है। ऐसे करप्ट गुंडों को, ऐसे आ जाओ ना यार, अंदर आ जाओ सारे, ऐसे क्रिमिनल्स को उनका घर क्यों दिखाना है सही सलाखों के पीछे? क्योंकि ये एक प्रोफेसर हमारे समाज से, प्रोफेसर रतनलाल साहब, आप उठा के जरा पब्लिकेशंस देखिए, जर्नल्स देखिए जिनमें इनका पब्लिकेशंस है, और इनकी PhD देखिए। ऐसे समाज के बुद्धिजीवी हमारे प्रोफेसर, उनका प्रमोशन रोक दिया। और एक क्रिमिनल सविता रॉय जिसके ऊपर चार्जशीट तक जमा है SC ST एक्ट के अंदर, वो भी प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर, एक देश एक संविधान एक यूनिवर्सिटी और दो तरीके के कानून, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और अपनी सबसे बड़ी बात जिससे एंड किया था प्रोफेसर साहब ने, कि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई किसकी, दलित आदिवासी बहुजन समाज की लड़ाई किस चीज की है? मान सम्मान की ना, डिग्निटी की तो लड़ाई है, ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की, ये लड़ाई हक की है। बाबा साहेब ने जैसे कहा है, यू डोंट हैव टू डिमांड, नाउ इज द टाइम टू क्लेम, सो वी विल क्लेम आवर राइट्स। हमें उपकार नहीं अधिकार चाहिए, और अधिकार मां